एनडीए की सरकार तो बन गई, लेकिन अभी फ्लोर टेस्ट अभी भी बाकी है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी अभी नहीं हुआ। मंत्रिमंडल विस्तार होने से पहले हम के संयोजक जीतन राम मांझी इन दिनों काफी से सुर्खियों में बने हुए हैं। जीतन राम मांझी हम के लिए दो मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस ने जीतन राम मांझी को सीएम पद के लिए ऑफर दे दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो एनडीए सरकार में दो सीटों की मांग कर रहे हैं। इस पर अखिलेश प्रसाद सिंह ने जीतन राम मांझी को खुला ऑफर दे दिया। उन्होंने कहा कि वो हमारे साथ आ जाएं, हम उन्हें सीएम बनवा देंगे। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में कयासों का दौर शुरू हो गया है। वो जीतन राम मांझी को लेकर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी कहा कि इन सब बातों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। तेजस्वी यादव चौंकाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने तो अस्पष्ट कहा है कि खेल अभी बाकी है। बता दें कि महागठबंधन से अलग होने के बाद सीएम नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए और इस नई सरकार में बीजेपी की ओर से दो डिप्टी सीएम भी बनाए गए और हम अध्यक्ष संतोष सुमन ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली। इसके साथ ही निर्दलीय विधायक सुमित सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली। अब मंत्रिमंडल का विस्तार होने से पहले जीतन राम मांझी ने दो और पदों की मांग कर दी है। जीतन राम मांझी ने बताया कि दो मंत्री पद को लेकर उनकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा अमित शाह और नित्यानंद राय से भी बात हुई। अमित शाह ने इसे थोड़ा मुश्किल बताया है, मगर उसके लिए मुश्किल तो आसान करना बड़ी बात नहीं है। उनके लिए अगर मुश्किल है तो आसान भी हो सकता है। उन्होंने कहा अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मंत्री अनिल कुमार को मंत्री बनाएंगे और तर्क दिया कि मगध क्षेत्र में समन्वय के लिए एक दलित के साथ सवर्ण जाति का भी मंत्री होना जरूरी है। अब ऐसे में कयासों का बाजार गर्म हो गया है कि क्या जीतन राम मांझी सीएम पद की लालच से कांग्रेस के साथ जाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस पे आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।